दोस्तों, आप सभी तो ये बात काफी अच्छी तरह से जानते ही होंगे कि बिना हैबिट्स के हम अपना फ्यूचर बना ही नहीं सकते हैं। इसीलिए हमें अपनी सभी बेकार की आदतों को अच्छी आदतों में बदलना होगा और अच्छी आदतों से ही हम सब अपने एक बेहतर फ्यूचर को बिल्ड कर सकते हैं, जो कि एक सक्सेसफुल लाइफ पाने के लिए बेहद जरूरी भी है। आज तक इस दुनिया में जितने भी लोग सक्सेसफुल हुए हैं, उन्होंने अपनी लाइफ में अच्छी आदतें बनाई हुई थी, जिससे कि वह उन्हीं आदतों के कारण आज एक सक्सेसफुल इंसान बन पाए हैं। इसीलिए आज के इस वीडियो में मैं आपको जिंदगी को बदल देने वाली बेस्ट आदतें यानी लाइफ चेंजिंग हैबिट्स के बारे में बताने वाला हूँ, जिससे आप सभी को अपनी खराब आदतों के बारे में भी पता चल पाएगा और ऐसी कौन कौन सी अच्छी आदतें होती हैं जिनको हम अपनी लाइफ में अपना कर खूब सफल हो सकते हैं और लाइफ को एक नया मोड़ भी दे सकते हैं। तो आइए जानते हैं ऐसी ही कुछ बेस्ट आदतों के बारे में जो आपके जिंदगी को सक्सेसफुल बनाने में मदद करेगी। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो दोस्तों, पहला आदत है रोजाना लक्ष्य निर्धारित करना। सफल लोग अपने इरादे के साथ अपने काम का और लक्ष्यों की योजना बनाते हैं। वे अपने लक्ष्य को एक डायरी में नोट करते हैं और उसे पूरा करते हैं और अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए रोज मैप या कैलेंडर का उपयोग करते हैं। अपनी टू डू लिस्ट प्रत्येक कार्य के लिए इसे अपने कैलेंडर में शेड्यूल करें। अपनी टू डू लिस्ट में हम दिन भर के कार्य को लिख सकते हैं और उसमें हम उदाहरण के लिए सुबह कितने बजे उठना है, व्यायाम कब करना है, कितने बजे खाना खाना है, बुक्स कब पढ़ना है, अपने अर्जेंट कार्य को कब पूरा करना है, ये सब बातें शामिल होती है। अपने कार्य को निर्धारित करना एक सहायक स्व सुधार की आदत बन सकती है, जो आपको अपने सपने को पूरा या दृष्टिकोण प्राप्त करने में सहायक होती है। आप इसे रात को सोने से पहले या अगले दिन क्या क्या काम करने हैं उसकी लिस्ट बना लो। इससे आपके अगले दिन क्या क्या करना है वो आपको पहले से ही मालूम हो, यहाँ आपको अगले दिन के लिए स्पष्ट योजना देता है और आपके अवचेतन मन को सोते समय समस्या समाधान पर काम करने के लिए प्रेरित करता है। दूसरा आदत, पर्याप्त नींद लेना। आज की वर्तमान स्थिति को देखते हुए हम नींद को नजरअंदाज कर देते हैं या फिर उसमें गलत तरीके से नींद लेते हैं। इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में अपने परिवार को प्राथमिकता देना महत्वपूर्ण है। सफल लोग और खुश व्यक्ति समय समय पर ब्रेक लेने और खुद की देखभाल करने के महत्व को समझते हैं। खासकर नींद के मामले में नींद हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। ये हमारे ऊर्जा का स्तर, अपनी मनोदशा और उत्पादकता को प्रभावित कर सकते हैं। इसीलिए एक सोने का समय निर्धारित करें जो आपको आराम करने और रात को अच्छी नींद लेने के लिए तैयार करने में सक्षम बनाता है। अपने सोने के रूप में से इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों को हटा दें और नींद की गुणवत्ता में सुधार के लिए ध्यान या विश्राम जैसी साधना का अभ्यास करें, जिसे आपको नींद लेने में सहायता मिले। एक अच्छी और शांतिपूर्ण नींद लेने में कभी भी संकोच न करें, यह आपकी भलाई और सफलता पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकता है। याद रखें कि खुद की देखभाल करना स्वार्थी नहीं है, बल्कि एक पूर्ण जीवन के लिए आवश्यक है। तीसरा आदत, खुद को सकारात्मक रखना। आपके जीवन में सकारात्मक और खुशहाल लोगों का होना आपकी मानसिकता और दृष्टिकोण को बहुत ही प्रभावित कर सकता है। कुछ आप अपने आप को जिन्स ऊर्जा में घिरते हैं, वह जाने अनजाने में आपके विचारों और भावनाओं को प्रभावित कर सकते हैं। नकारात्मक लोग आपको नीचे गिरा सकते हैं, उसी तरह सकारात्मक लोग आपको ऊपर भी उठा सकते हैं। यह आप पर निर्भर करता है कि आप किसे चुनते हैं। अध्ययनों से पता चला है कि आपको सकारात्मक लोगों के साथ रहने से आपके सफलता की संभावना बढ़ जाती है। सकारात्मक लोगों के पास बहुतायत मानसिकता होती है और वे आपको आगे बढ़ाने और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के
लिए प्रेरित करते हैं। दोस्तों, किताबें पढ़ें, ध्यान करें, व्यायाम करें और एक मजबूत सकारात्मक मानसिकता बनाएं। सफल लोग अक्सर मास्टरमाइंड समूह से संबंधित होते हैं, जिससे आप कुछ भी मान्ति हासिल कर सकते हैं। मनुष्य स्वाभाविक रूप से अच्छी और बुरी दोनों तरह की आदत बनाता है। अच्छी आदतें विकसित करने के लिए आपको अच्छे लोगों के साथ रहना होगा, अच्छी बातें सुनना होगा, अच्छे काम करना होगा। चौथा आदत, नियमित व्यायाम करना। एक सफल और खुश लोगों को हर दिन व्यायाम करने की आदत होती है। वे हर रोज 10 से 15 मिनट फुल बॉडी व्यायाम जरूर करते हैं, जिससे कि पूरे दिन में थकान नहीं होती है। यहाँ हर रोज मिल मैराथन दौड़ना जरूरी नहीं है, आपको सिर्फ रोजाना 15 से 20 मिनट की कसरत और व्यायाम करना है तो आपको आश्चर्यजनक लाभ दे सकता है। आप ये भी कर सकते हैं कि अधिक बार सीढ़ियां चढ़ने की कोशिश करें या काम के सिलसिले में अपनी कार को किराने की दुकान से थोड़ी दूर पार करें, जिससे आपको चलने में आदत डालें। अगर आपको व्यायाम को नियमित आदत बनाने में परेशानी हो रही है तो गूगल ऐप और डिवाइस आपकी मदद कर सकते हैं। हर घंटे सक्रिय रहने के लिए, आपको याद दिलाने में सहायता के लिए फिटनेस ट्रैकर पर आप विचार कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि आपको हर आधे घंटे में कसरत करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको पूरे दिन चलते रहना जरूरी है। कसरत और योगा का अपना जीवन में आदत बनाने से आपके संपूर्ण स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य को लाभ मिल सकता है। पांचवा आदत, पूरे दिन हाइड्रेटेड रहना। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हमारे शरीर में पानी की मात्रा 70% है। पानी ही है जो हमारे शरीर में से विषैले पदार्थ और शरीर को पोषण देने में सहायक होता है। रोजाना सुबह बिस्तर से उठने के तुरंत बाद 2 से 3 गिलास पानी पीने की आदत डालें। जब आप दिन भर पानी का सेवन बढ़ाते हैं तो आप अपने शरीर पर एक एहसान करते हैं। इसे एक काम के रूप में देखने के बजाय इसे अपने शरीर को पोषण देने का एक तरीका माने, जिससे आप ज्यादा से ज्यादा पानी पी सकें। जब आप कम पानी पीते हैं तो आपको भूख, थकान और चिड़चिड़ापन हो सकता है। दिन भर अपने साथ एक पानी की बोतल लेकर चले, जब भी प्यास लगे तो खोल कर पी लो। छठा आदत, व्यक्तिगत विकास के लिए रोजाना पढ़ना। ज्यादातर लोग स्कूल के बाद जब वे नौकरी पे या फिर कुछ और काम में चट जाते हैं तो वह आगे सीखना बंद कर देते हैं, जबकि एक सफल व्यक्ति अपने दिन में अपने क्षेत्र के बुक्स का 10 से 15 पेज पढ़ते हैं। आप देखते होंगे कि एक महान विचारक, नेताओं, बिजनेसमैन, उन सभी में एक गुण समान होता है, जो है सीखना। पुस्तकें आत्म सुधार के लिए शक्तिशाली उपकरण है और आपके चुने हुए क्षेत्र ज्ञान को बढ़ा सकता है। संतवा आदत, अपनी चुनौतियों पर काबू पाना। हम अपने जीवन की चुनौतियों पर हम काबू पा सकते हैं। हमें जो भी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, हम उसे आसानी से हरा सकते हैं। हमें बस सकारात्मक सोचने की जरूरत है। अलग अलग लोग परिस्थिति को अलग तरीके से हैंडल करते हैं। कुछ अपनी स्थिति को स्वीकार करते हैं, जबकि अन्य इसे सुधारने के लिए एक्शन लेते हैं। अपने जीवन की जिम्मेदारी लेने का अर्थ ये समझना है कि भाग्य आपके विकल्पों से आकार लेता है। व्यक्तिगत विकास में आने वाली बाधाओं पर ध्यान देना एक महत्वपूर्ण कदम है, जिससे आप उसमें सुधार कर सकते हैं। आठवां आदत, दयालुता का कार्य करें। जबकि कई आदतें जो हम बनाते हैं वे आत्म सुधार पर केंद्रित होती हैं, यह आखिरी आदत अन्य लोगों के लिए दयालु कार्य करके आपके जीवन को बदल देती है। दयालुता के कार्यों में समय लगने वाला या फिजूल खर्ची होना जरूरी नहीं है। किसी अजनबी की तारीफ करना, किसी के लिए दरवाजा खोलना या किसी को लाइन में अपने से आगे जाने देना जैसी सरल बात एक विचारशील इशारा है, जो आपके साथ साथ किसी और के दिन को भी बेहतर बनाएगी। किसी और के लिए कुछ अच्छा करना बहुत अच्छा लगता है, और मैंने कई कहानियां पढ़ी हैं कि कैसे किसी की दयालुता के सरल कार्य ने प्राप्तकर्ता का जीवन बदल दिया।
आप कभी नहीं जानते कि आप क्या अंतर ला सकते हैं। नौवा आदत, दैनिक पत्रकारिता। शोध के अनुसार दैनिक पत्रकारिता तनाव, अवसाद और चिंता के नकारात्मक प्रभाव को प्रतिकार कर सकती है। अपने विचारों को कागज पर उतारना हमें जीवन की एक घटना को समझने के लिए प्रोत्साहित करके चिंता और तनाव को प्रबंधित करने में मदद कर सकता है। दसवां और सबसे आखिरी आदत, प्रतिदिन एक मिनट ध्यान या प्रार्थना करें। ध्यान वर्तमान क्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाने, तनाव कम करने, विश्राम को बढ़ावा देने और व्यक्तिगत और आध्यात्मिक विकास को बढ़ाने के लिए किसी ध्वनि, वस्तु, दृश्य, सांस, गति या ध्यान पर ध्यान केंद्रित करने का अभ्यास है। आत्म जागरूकता बढ़ाने से लेकर बेहतर तनाव प्रबंधन तक ध्यान आपके मानसिक स्वास्थ्य में ढेर सारे लाभ लाने के लिए जाना जाता है। यदि आप प्रार्थना या ध्यान को एक आदत बनाना चाहते हैं लेकिन शांत बैठने या अपने दिमाग को साफ करने और ध्यान केंद्रित करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, तो छोटी शुरुआत करें एक मिनट के साथ। जल्द ही आप उस समय को 5-10 और यहां तक कि 20 मिनट तक बढ़ा सकेंगे। लेकिन अभी के लिए आप अभी भी शांति के एक क्षण से लाभान्वित होंगे। हमने ऊपर बताए गए सभी व्यक्तिगत विकास की दर आदतों को बारीकी से बात की और आपको समझ में आया होगा कि व्यक्तिगत विकास की 10 आदतों में आपको कौन सी आदत सबसे अच्छी लगी कमेंट करके बताएगा। आपको ये पोस्ट अच्छी लगी तो कृपा करके इस पोस्ट को अपने दोस्त और परिवार के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।